आज हम बनाएंगे मिंट मोहितो, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे घर पे भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले यहाँ हमने एक लेमन को पीसेस में कट करके रख लिया है। इसके बाद हमने दो स्लाइस में कट करके रखा लेमन को, साथ में लिया है मिंट लीव्स। इसके बाद हमने लिया लेमन जूस, हमने लिया यहाँ पे एक कटोरी में आइस, इसके साथ ही लिया है शुगर पाउडर, इसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच चाट मसाला। सबसे पहले हम मिंट लीव्स और लेमन के पीसेस को हल्के हाथों से क्रश कर लेंगे। इसे हमें बारीक नहीं पीसना है, बस हल्के हाथों से इसे क्रश करना है। इसे हम हल्के हल्के से क्रश कर लेंगे। ये हमने इसे मिलाते हुए क्रश कर लिया है। इसमें लेमन और मिंट के लीव्स अब हम अपने इन ग्लास में सबसे पहले डालेंगे कुछ आइस, इसके बाद हम डालेंगे अपने क्रश किए हुए मिंट लीव्स और लेमन के पीसेस को। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन जूस। यह हमने लेमन जूस डाल दिया। अब इसके साथ हम डालेंगे शुगर पाउडर। यहाँ हम एक चम्मच शुगर पाउडर का यूज़ करेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो आप शुगर पाउडर का कम यूज़ करें। साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने पानी बस इन सबको मिलाने के लिए लिया है। इन सबको हम एक चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने इसे अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें डालेंगे स्प्राइट। आप स्प्राइट की जगह में प्लेन सोडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हम चम्मच से इन सबको स्प्राइट के साथ अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा स्प्राइट और डालेंगे। यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा स्प्राइट और डाल दिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ आइस क्यूब। यहाँ हमने दो आइस क्यूब डाल दिए। अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। इसे हम लेमन स्लाइस से डेकोरेट करेंगे। यहाँ हमने ग्लास के साइड में लेमन स्लाइस लगा दिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पे मिंट के लीव्स रख देंगे, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये हमने मिंट के लीव्स रख दिए। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा मिंट मोहितो पीने के लिए। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।